निवारिणि हे सर्व मंगल तारिणि हे चंड मुंड विदारिणि तू शुभ निशुंभ निवारिणि हे महिष दानव मर्दिनी काली है तू ही कामिनी हे माता से दलन करे दानवों का दलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही जो कुछ भी हुआ किसी को बताना मत, वरना दक्ष को नीचे पूजा हो रही है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाना। तुम कहाँ थे प्रांजल, और पलक कहाँ है? तुम दोनों को आरती में होना चाहिए था। वो पलक की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वो अपने कमरे में। लेकिन अचानक क्या हुआ उसे? वो सिंदूर लेने गई और वापस ही नहीं आई। वो सिंदूर लेकर आ रही थी और उसी वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने पलक को दवाई दे दी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं पलक को नीचे लेकर आता हूं। पलक, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत अचानक से खराब हो गई? प्रांजल कह रहा था कि तुम ठीक नहीं हो। तक्ष, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तक्ष, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। बात कुछ और है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ पलक, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा ना, तुम जाओ। पलक, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि बात क्या है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बोलो ना पलक, क्या हुआ? दक्ष, वो दक्ष, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें नीचे पूजा में होना चाहिए था। कमाल है, जहां तुम्हें होना चाहिए वहां तुम पहुंचते नहीं, और जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां तुम सीधे चले आते हो। पलक को परेशान मत करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं हूं ना उसके लिए, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो जाओ यहां से। देखो पलक, जो कुछ भी हुआ सो हो गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत भी तो नहीं था। पति पत्नी का रिश्ता जो है हमारा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा। गलती सही सही, लेकिन रिश्ता तो जोड़ लिया, पति पत्नी बन गए हम, और एक पति पत्नी के रिश्ते में ये सब तो होता ही है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आज जो हुआ वो तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर गलती से भी तुमने ये सारी बातें किसी और से कही या दक्ष से कही, तो मैं दक्ष पर भारी पड़ूंगा। पलक, आज रात जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ,
और ये बात मान लो कि हम पति पत्नी हैं, ये सच्चाई है और ये सच है। जो आज हुआ है वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं है बल्कि बलात्कार था, रेप किया है तुमने मेरा। रेप? शादी के बाद रेप क्या होता है? शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी करता है उसे बलात्कार नहीं कहते, उसे प्यार कहते हैं। और अगर तुमने ये सब किसी को बताया तो मैं दक्ष को नहीं छोड़ूंगा, सजा उसको मिलेगी। अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। पता नहीं पलक को अचानक क्या हो गया। इस घर में बहुत कुछ अचानक होता है और वो भी पलक के साथ ही। बिचारी पलक, उसके सिर में दर्द हो रहा है इसीलिए उसके लिए मैं ये काढ़ा बना रही हूँ। मुझे नहीं लगता दादी कि ये पलक पीने वाली है। अरे क्यों नहीं पिएगी, जरूर पिएगी। माँ मुझे लगता है कि पलक और प्रांजल के बीच में टेंशन बढ़ गया है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पलक से बात कर लूंगी। आप दोनों फिक्र मत करो, मैं प्रांजल के कान खींचती हूँ और दोनों को हंसते हंसते बाहर घूमने भेजती हूँ। अरे जब मेरे जैसा समझदार व्यक्ति आपके पास हो तो आपको पेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। मंजुला पेंशन नहीं टेंशन। हाँ हाँ वेज, टेंशन लेने की जरूरत क्या है, लाइए अब मैं ये उसे पिला कर आती हूँ। तुम रहने दो मंजुला, हम देख लेंगे, बात कर लेंगे उनसे। मुझे लगता है कि मैं खुद बात करूंगी उन दोनों से, पूछूंगी समझाऊंगी उनको। मामा मैं भी कुछ देर में आपके पास आ रही हूँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं आप यहाँ मत आइएगा, यहाँ हमारी बात नहीं होगी। बाय। पलक बेटा, ऐसी तो क्या बात हो गई कि तुमने अपनी सास को नहीं दादी को नहीं सीधे अपनी मम्मी को फोन कर दिया। देखो पलक, पति पत्नी के बीच तो ये सब होता ही रहता है। लो पलक पहले तुम ये काढ़ा पी लो, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। पलक मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और प्रांजल के बीच जरूर कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम इतना कड़वा काढ़ा पी सकती हो तो क्या वो छोटी सी कहा सुनी को काढ़ा समझकर पी नहीं सकती। शादी के बाद सबको एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, थोड़ा तुम करो थोड़ा वो करे और ऐसी ही जिंदगी कट जाती है। कहाँ है प्रांजल, बुलाओ उसे, मैं उसे समझाती हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर कोई बात है, पिछले दो दिनों से देख रही हूं कि तुम किसी सोच में पड़ी हो। तुम तो हंसना भी भूल चुकी हो बेटा, मुझे बताओ क्या बात है। पलक मुझे तो लगा कि कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात है। प्लीज मुझे बताओ क्या बात है, बोलो बेटा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना है, मुझे देर हो रही है। तुम दोनों बातें करो मैं आती हूँ। माँ के पास जाना है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। क्या हुआ, अपनी माँ से नहीं मिलना? तुमने क्या सोचा, तुम अपनी माँ के पास मेरी बुराई करने के लिए चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें क्या लगता है? देखो पलक, मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगा,
लेकिन किसी से मिलने से पहले या किसी से बात करने से पहले ये सोच लो कि उसका अंजाम क्या होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो तुम्हारी मामा के घर चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना? वेरी स्मार्ट। रिडिकुलस, रिडिकुलस माँ, आप हंस रही हैं? क्या आपको ये सब कोई मजाक लग रहा है? माँ, यहाँ मेरी जान पर बन आई है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जानती हैं, ये सब होने के बाद दक्ष मुझे कभी नहीं अपनाने वाला। You are supposed to give me a solution. यही तो है तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम केशवी। छोटी छोटी बातों से घबरा जाती हो, हार मान लेती हो। तुम्हारे पास इतना बड़ा मोहरा है, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी कामयाबी के लिए किस तरह से किया जाता है ये तुम नहीं जानती। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। मोहरा? कैसा मोहरा? प्रणाम माता। उसे बिठाओ। तुम्हारा मोहरा खुद चलकर यहां आया है। अब देखना सामने वाले की ताकत और कमजोरी का फायदा किस तरह से उठाया जाए। उसके बाद तुम रंज मनाने की बजाय शतरंज का खेल खेलने लगो। बोलो प्रांजल। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं मां। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ। मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई सनसनी फैला कर आए। हाँ माँ, कल रात पलक और मैं वाकई में पति पत्नी बने और मैंने पलक का रेप कर। पति पत्नी के बीच में ये आम बात है। तुम इन सारी बातों की टेंशन छोड़ो। तुम्हें एक काम करना है, किसी भी तरह से दक्ष और केशवी की शादी करवा दो। इन दोनों की शादी से तुम्हें ही फायदा होगा प्रांजल। और वैसे भी दक्ष तुम्हारे और पलक के बीच में सबसे बड़ा कांटा है। माँ, मैं उन दोनों की शादी करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और उन दोनों की शादी होकर ही रहेगी। तथा अब मैं चलूंगा माँ। जाओ प्रांजल, ईश्वर करे तुम्हें हर कदम पे कामयाबी मिले। देखा केशव, यह है तुम्हारा मोहरा जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। अपने ऊपर भरोसा रखो और अपना दाव खेलो और फिर देखो कामयाबी तुम्हारे कदम कैसे छूमती है। थैंक यू मां, चलती हूं। आखिरकार तुम सब तो हो मेरे मोहरे, तुम सब से फायदा तो मुझे ही होगा। इसे कहते हैं जय और मात, हार और जीत। क्या हुआ पलक, तुम रो क्यों रही हो? दक्ष। पलक, बात क्या है, बताओ तो सही। दक्ष, बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी कि नहीं बोल पाई, अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो प्रांजल ने करवाया था। तुम पर वो अटैक वो भी प्रांजल ने करवाया था। प्रांजल तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा दुश्मन है वो, तुम जानते हो। और प्रांजल ने क्या किया? प्रांजल ने बताओ मुझे पलक। उसने मेरा मेरे साथ बलात्कार किया है, रेप किया उसने मेरा। और तुम जानते हो क्या हुआ पलक, कोई बुरा सपना देखा? हाँ, कभी कभी बुरे सपने भी सच हो जाते हैं। क्या बात है, अब तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा सपना सच तो नहीं हुआ ना? लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये बुरा सपना सच ना हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
मैं चाहता हूँ कि तुम दक्ष के पास जाओ और उसे मनाओ कि वो केशवी के साथ शादी कर ले, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा, ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते का कांटा हटा दो। एक बात याद रखना, सच्चे प्यार को मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम अगर इस जन्म में नहीं मिल पाए तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। अगला जन्म ना तुम जानती हो और ना ही मैं। और लोग कहते कि अगर इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए या मुक्ति मिल जाए तो अगला जन्म होता ही नहीं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं खुद तुम्हें इस जन्म में मोक्ष दे दूंगा। ना रहेगा अगला जन्म और ना ही होगा तुम दोनों का मिलन। मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतना विश्वास किया आप पर, उसका ये सिला दिया आपने मुझे। कौन कहता है कि भक्ति में शक्ति होती है? क्या पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी आपको ये दिन दिखाने के लिए? अगर आप हैं, तो अपने होने का प्रमाण दीजिए भगवान, प्लीज। पलक बेटा, तुम अकेली यहां बैठी हो, प्रांजल कहां है? मुझे नहीं पता। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूं तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो, पर बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ।